गाइज आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं एक्स्ट्रा व्हाइटनिंग ब्यूटी क्रीम का, जो दोस्तों जो कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांडेड में है। इसके कैसे रिजल्ट रहते हैं, पैसा वेस्ट तो नहीं होगा, साइड इफेक्ट क्या क्या देखने को मिलते हैं और 15 दिन यूज करने पर कैसे रिजल्ट आपको मिलते हैं, कंप्लीट देखिएगा इस वीडियो को, पूरा सा जानने वाले हैं। पैकेजिंग, प्राइजिंग, साइड इफेक्ट, बेनिफिट्स, कब कैसे यूज करें। गाइज कंप्लीट जानने से पहले चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। अगर बात करें इसकी रेंटिन की, तो इसकी 3+ की रेंटिन है, जो कि प्रोडक्ट रेंटिन में काफ़ी लो रेंटिन मानी जाती है। फ्रेंड्स 30 ग्राम की पैकेजिंग है, प्राइजिंग 520 रुपये के आसपास का है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इसका भी, और एक बेस्ट फेयरनेस ब्यूटी व्हाइटनिंग क्रीम का भी लिंक आपको मिल जाएगा, तो उसको भी आप बाय कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखिए। फ्रेंड्स देखिए बात करें इसके अंदर यूज होने वाले इन्ग्रीडियंट की, तो इसके अंदर हल्दी, खनिज तेल, चंदन कारक और ग्लूटाथियोन का यूज किया जाता है, जो कि दोस्तों वैसे तो काफ़ी अच्छे इन्ग्रीडियंट माने जाते हैं। और यह मुख्य तौर पर दोस्तों चेहरे के ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, काले दाग धब्बे, डार्क सर्कल को कम करने के साथ साथ कील मुहासों की समस्या को कंट्रोल करती है और झुर्रियों को भी ठीक करने का काम करती है। तो बेनिफिट्स काफ़ी सारे हैं फ्रेंड्स इसके, लेकिन गाइज इसके आपको अच्छे रिजल्ट कब देखने को मिलते हैं और क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, देखिए 15 साल से बड़े गर्ल्स पर दोनों यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें गाइज इसको यूज कब करना चाहिए, तो आप नाइट बेस इसको यूज कर सकते हैं, किसी भी अच्छे फेसवॉश से चेहरा क्लीन करने के बाद आप इसको यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स आपके स्किन पर। अब देखिए बात करें साइड इफेक्ट की और रिजल्ट की, तो 15 दिन में आपको हल्के से रिजल्ट देखने को मिलेंगे, स्टार्टिंग एक वीक में कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे फ्रेंड्स। अच्छे रिजल्ट 3 से 4 वीक में देखने को मिल सकते हैं फेस वॉश के साथ यूज करने पर। वैसे गाइज अगर बात करें साइड इफेक्ट की, तो जैसे कि इरिटेशन, खुजली होना, अगर डे यूज कर रहे हैं ज़्यादा धूप में तो स्किन रेड भी हो सकती है और अनचाहे बाल भी आ सकते हैं, तो काफ़ी सारे साइड इफेक्ट भी इसके देखने को आपको मिलते हैं। इसके अलावा लंबे समय तक इस्तेमाल करने से और भी कई साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं इस क्रीम के। इसके मुकाबले आप कौन सी सीरम ले सकते हैं या फिर कौन सी क्रीम ले सकते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। अगर बात करें गाइस इसके अलावा आप क्या ले सकते हैं, तो आप जोय का ब्राइटनिंग रेडनेस स्पॉट क्लीन करने वाला सीरम ले सकते हैं, जो कि बहुत ही बेस्ट सीरम माना जाता है, लेकिन दोस्तों ये पिंपल्स पे वर्क नहीं करता है। अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स हैं तो आप इस सीरम के साथ में एलोवेरा जेल यूज कर सकते हैं या फिर अक्यू प्लस क्रीम यूज कर सकते हैं। तो गाइस दोनों आपके लिए बेस्ट रहने वाले हैं, आप अक्यू प्लस क्रीम को डे यूज कर सकते हैं पिम्पल्स के लिए, और जो है कि ये जो सीरम है इसको आप नाइट बेस यूज कर सकते हो, तो आपकी स्किन भी फेयर हो जाएगी।